ब्रेन ऑफ सिटी। जी हाँ, कोविड 19 के 2 साल के प्रकोप के बाद स्कूली विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर का आकलन करने की पहल सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज और 94.3 माया एफएम ने की है और ओएमआर शीट के माध्यम से क्लास 9 से 12 के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। इस एग्ज़ाम के बाद चयनित स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए गए। ब्रेन ऑफ सिटी में नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभा रहे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में शहर की शख्सियतों की मौजूदगी रहे। पूर्व रिटायर्ड प्रभारी आईपीएस डीजीपी आर के विज यहाँ मुख्य अतिथि रहे। साथ ही सभा अंजुम, राजीव गुप्ता, ममता शुक्ला, दुर्गा सेंगर व सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन यहाँ पर प्रमुख रूप से शामिल रहे। ब्रेन ऑफ सिटी के एग्जाम में चयनित विद्यार्थियों को प्राइज के साथ सर्टिफिकेट दिए गए। रिटायर्ड प्रभारी आईपीएस डीजीपी आर के विज ने व सभा अंजुम ने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किए। आपको ध्यान होगा जो सीनियर लोग बैठे हैं, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में जो फोन थे, हम लोग उस फोन को उठाने से चलते थे। आज के बच्चे मोबाइल की तरह से खेलते हैं, कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों में उतना साहस, कॉम्पिटिशन की भावना, ये सब भी बढ़ रहा है। लेकिन पिछले जो कोविड का पीरियड था, हमने ये मांग में पब्लिकली बता दी, मांग हमने सीबीएसई से भी करी है। कोविड के पीरियड के बाद हम चाहते हैं कि साइकोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट, एक इनपुट सारे हायर क्लासेस में आए। समय सही है, बहुत तेजी से बदल रहा है, बच्चे बड़े साहसी हो गए। आज मेरा भी स्कूल है, कॉलेज है, मैं देखता हूँ बच्चे बहुत साहस से चीजों का सामना करते हैं और इसीलिए आप देखिएगा कि जो आज हमारा पूरा सीन है सारा, आप समझ लीजिए एजुकेशन का, इंडस्ट्री का, जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो सी चेंज कर रहे हैं। जितने बच्चे बैठे हैं, मेरा उनसे यही है कि आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत से ही चीजें बदलेंगी और प्रतिभा एक लेवल तक होती है, सब में होती है, भगवान देके भेजता है, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है, आपको आपका जो पीक आएगा किसी भी चीज में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल में, बैठी है यहाँ पर, उन्होंने हमारे को खुश होने के ढेर सारे मौके दिए हैं। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे खेलने की बहुत टेंशन होती थी, सामान की कुछ भी, तो सर अपने तरफ से देते थे, हमारे पीटीआई को बोलते थे, जो सर ने पीटीआई के स्कूल के, हाई स्कूल के, कि सभा को सब कुछ देना लेकिन इसको टीम में लेके जाना करके, तो वो चीज और मुझे जो छोटी छोटी जरूरतें पड़ती थी वो चीज सर पूरा मुझे देते थे। और मैंने भी जैसे अभी लास्ट सर ने बोला है कि जब हम लोग छोटे थे या सर का जमाना था, मेरा जमाना था, तो जब मैं खेलने जब गई तो उस टाइम छत्तीसगढ़ बना था, लेकिन छत्तीसगढ़ को नहीं जानता था, कोई ग्रुप को नहीं जानता था, सिर्फ वो जानते थे ब्लाय स्टील प्लांट को, क्योंकि ब्लाय स्टील प्लांट के नाम से ही मेरे को जाना जाता था, वो गाँव से आई ब्लाय स्टील प्लांट से, ऐसे बोलते थे मुझे। तो जब छत्तीसगढ़ बना उसी टाइम मेरा टीम में सिलेक्शन हुआ और मैं तो ऐसे घर से थी कि मैं 12 साल की उम्र तक लाइट नहीं देखती थी।
अच्छे से लाइट नहीं था, तो मतलब मैं जूता भी नहीं था, मैंने इंडिया टीम में छोटे जूते पहने के खेले, बहुत सारे तकलीफ हुई, बहुत सारे हुए, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताऊंगी स्टूडेंट को, जो आप ये सर्टिफिकेट पकड़ रहे थे ना, ये सर्टिफिकेट आपके घर में रखने के लिए नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट ही आपको आगे बढ़ाएगा, ये मेडल ही आपको आगे बढ़ाएगा। और मेरे पास यही सर्टिफिकेट आपको पता है इतने सारे हैं मेरे पास आज भी, और इतने सारे मेडल है, कौन से जो भी जो आप लोगों को मिल रहे थे ना स्पोर्ट्स में जब मैं आती थी, मेरे पास अभी भी उस मेडल है, वो मेडल मेरे संभाल के रखा है, क्योंकि उस मेडल से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो आप भी आपके पेरेंट्स सोचेंगे कि हमें कुछ करना है जरूर, मुझे खेल में मुझे पता था कि मुझे मेहनत में करूंगी, मैं दौड़ूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर आपको लगता है कि आप अपने फील्ड में अच्छा पढ़ सकते हैं या अच्छा कुछ और कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल शर्माइए मत, और आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग सिर्फ आपको देखेंगे आगे बढ़ते कि आगे बढ़ रहा है कि पीछे हट रहा है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते तो सबकी नजर हमारे पास रहती है, हम सोचते हैं किसी की नजर हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी लोग हम ही को देखते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में एक मापदंड रहता है हमेशा, पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो सक्सेसफुल लोग जो कहीं स्कूल और कॉलेज में गए नहीं है, कई ऐसे स्पोर्ट्स में देखे हैं, कई आपने ऐसे नेता देखे हैं, कई बड़े वेरी रिच पीपल नाम आपने पढ़ाएंगे, या कई लोगों की पहली कुछ क्लासेस में मार्क्स ज्यादा नहीं आते लेकिन ग्रेजुअली वो सक्सेस की लेडर्स जो है वो चढ़ते हैं। तो ये फेलियर जो है ये बहुत ही टेम्पररी चीज है, ये अस्थाई है, इसको उसी तरह से लेना चाहिए कि फेलियर्स के स्टेप क्रॉस करते हुए आप सक्सेस तक पहुंचते हैं। तो कभी भी फेलियर को कोई लाइफ की फेलियर भी नहीं, छोटा सा स्टेप है जो ठीक नहीं हुआ शायद, जिसको हम इंट्रोस्पेक्ट करें, विश्लेषण करें कि ऐसा कैसे हुआ, मैं क्या चाहता था, ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो फेलियर है वो परमानेंट नहीं है, ये बहुत ही अस्थाई और एकदम टेम्परेरी है, इसको बीच का एक कदम मानिए और आगे बढ़ते रहिए, कभी भी इसको परमानेंट स्थान कहीं मन में हृदय में देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और जब ये मान के चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेज जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो डेफिनेटली सक्सेस का रहेगा। तो कभी भी छोटी छोटी फेलियर पर कभी भी मन को खराब नहीं करना है, या अपने जीवन का जो जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं ये ना समझे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये टेंडर एज है, इसमें अपना पोटेंशियल नहीं मालूम होता लोगों को कि इसमें क्या क्षमताएं हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये बहुत ही टेंडर एज है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि एक्चुअली व्यक्ति क्या कर सकता है। तो कभी भी इसको सीरियसली ले, और मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स और टीचर्स को समझना ज्यादा जरूरी है, टीचर्स लेकिन पेरेंट्स जिनके साथ बच्चों को रहना है वो अनावश्यक दबाव या उनका इतना जजमेंटल होना कि एक स्टेप पर अगर बच्चा किसी में पीछे रह गया तो उसको हम फेलियर का एक ऐसा बताएंगे। बेनाव सिटी का आज फाइनल राउंड है और सेलेक्टेड बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, माय एफएम और सचदेवा कॉलेज की पहल कैसी है बेनाव सिटी की? मुझे लगता है कोविड समय के बाद उनकी ये पहल की लोगों को स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए और ये देखा जाए कि कोविड पीरियड में क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों पर, ये बड़ा अच्छा प्रयास था कि जो भी इंटेलिजेंट बच्चे थे वो एक कॉम्पिटिशन के माध्यम से आगे आए, मोटिवेशन के रूप में उन्हें सम्मानित किया, इट वॉज वेरी गुड अटेम्प्ट। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माई एफएम द्वारा कंडक्ट एग्जाम में टॉपर की लिस्ट में इंदु आईटी, श्री शंकरा विद्यालय, केपीएस नेहरू नगर, माइलस्टोन एकेडमी, एमजीएम स्कूल, सेजस खमरिया और शकुंतला विद्यालय के विद्यार्थियों ने बाजी मारी और पुरस्कार पर कब्जा जमाया।
ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम में दो साल से उलझे स्टूडेंट्स के लिए ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम मील का पत्थर साबित होगा, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं।